A very good morning, dear aspirants. Byju's के government exams prep channel में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture of this day in history. आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से संबंधित वो सभी खास facts और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन government परीक्षाओं के point of view से बेहद लाभदायक हैं. And along with this, we will also share some crucial practice questions with you towards the end of the session. आप अवश्य ही आज के सभी facts को ध्यान से समझते हुए इन practice questions के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके answers आप लगातार share कीजिए हमारे साथ in the comment section. इनके अभ्यास से आपको इन सभी exams में बेहद help मिलेगी. तो आइए अब शुरू करते हैं 2 जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की. सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1893 से, व्हेन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिविल सर्वेंट चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी वाज बोर्न. अर्थात आज के दिन भारतीय प्रशासक और सिविल सेवक चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी का जन्म हुआ था. उनका जन्म खेदा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया में था और वर्तमान समय के गुजरात राज्य में स्थित है. He was an Indian administrator and civil servant who served as the first governor of the renamed state of Punjab from 1950 to 1953. इसके अलावा he was also appointed as the first Indian and the last British appointed governor of Odisha state. ये हुआ था इन द ईयर 1945. अपार्ट फ्रॉम दैट ये पहले गवर्नर थे ऑफ आंध्र प्रदेश राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस स्टेट इन 1953 टिल अगस्त 1957. इन्होंने प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन का पद भी संभाला था फ्रॉम सितंबर 1963 टू दिसंबर ऑफ द सेम ईयर. और 21 दिसंबर 1945 में इन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया. अलोंगसाइड द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो अवार्डेड हिम विद द प्रेस्टीजियस सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण इन द ईयर 1956. और अब आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है संबंधित 1950 या वर्ष 1950 से, व्हेन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट यूसुफ मेहर अली पास्ड अवे. अर्थात आज के दिन स्वतंत्रता कार्यकर्ता यूसुफ मेहर अली का निधन हुआ था. यूसुफ मेहर अली वाज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट लीडर. वर्ष 1942 में उन्हें बॉम्बे के मेयर के पद पे नियुक्त किया गया था. ही वाज अ फाउंडर ऑफ द नेशनल मिलिटिया, बॉम्बे यूथ लीग एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. उन्होंने एक बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी इन सेवरल पेजेंट एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स एज वेल. इन्हें खास तौर पे याद किया जाता है बिकॉज ही वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक. और यही नहीं, क्विट इंडिया टर्म भी इनके द्वारा ही कॉइन करी गई थी. ही वाज आल्सो अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट अलोंग विद महात्मा गांधी. इन्होंने कई यादगार किताबों का लेखन भी किया है जिनमें से कुछ फेमस नेम्स हैं लीडर्स ऑफ इंडिया, अ ट्रिप टू पाकिस्तान, द प्राइस ऑफ लिबर्टी एंड अंडरग्राउंड मूवमेंट. और अब इनके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो कि है संबंधित वर्ष 1972 अर्थात वर्ष 1972 से, व्हेन शिमला अग्रीमेंट वाज साइंड. अर्थात आज के दिन शिमला समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे. शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक माइलस्टोन है. इट वॉज साइंड बिटवीन द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो द पाकिस्तानी प्रीमियर एट शिमला विच इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट. शिमला अग्रीमेंट को अक्सर शिमला पैक्ट या शिमला अकॉर्ड के नाम से भी बुलाया जाता है. It was signed 8 months after the India-Pakistan War of 1971, जिससे पाकिस्तान का विभाजन हुआ था and the consequent country of Bangladesh emerged.
समझौते में वह कदम शामिल थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए उठाए जाने थे। एंड द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी वर एज फॉलोज। द चार्टर ऑफ द यूएन वुड गवर्न रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एनी डिफरेंसेस शैल बी सेटल्ड बाय पीसफुल मींस थ्रू बायलेटरल नेगोशिएशंस। अगला कंडीशन था दैट बोथ कंट्रीज वुड रिस्पेक्ट territorial integrity of each other and not interfere in the internal matters of one another. Iske ilawa ek term treaty ki ye bhi thi ki forces would be withdrawn to each other's side of the international border and ceasefire line of December 17, 1971 jo ki Bangladesh war ke baad tay hui thi would be respected and it would be considered as the line of control. भारत ने 93,000 पाकिस्तानी prisoners of war को रिहा किया था जिन्हें बांग्लादेश युद्ध के बाद पकड़ लिया गया था। परंतु ऐसा माना जाता है कि despite the entire military leadership of erstwhile East Pakistan surrendering to Indian and Bangladeshi forces and despite having captured strategic positions in Kashmir and about 5,000 square miles of Sindh and Pakistani Punjab, Bharat safaltapurvak Pakistan ke saath relationship ko finally settle karne mein asamarth raha. Pakistan also did not keep its word and continued to cause problems for India on the Kashmir issue. Dono deshon ke beech severe war-like situation bhi utpann hui thi around Kargil during 1999. Isi karan शिमला अग्रीमेंट डिड नथिंग मच टू इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये है संबंधित 1985 से व्हेन यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड गियोटो, अर्थात यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने गियोटो को लॉन्च किया था। गियोटो वॉज अ यूरोपियन रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मिशन दैट was launched by European Space Agency. 13 March 1986 ko spacecraft successfully Halley's Comet ke nucleus ke nazdeek gaya. It approached Halley's nucleus at a distance of around 596 kilometers. Iska naam rakha gaya tha after the famous early Italian Renaissance painter Giotto de Bondone. The spacecraft flew by and analyzed Halley's Comet, and in doing so, it became the first spacecraft to make a close-up observation of a comet, alongside to provide detailed pictures of a cometary nucleus. Spacecraft se li gayi pictures mein, Halley's nucleus appeared to be like a dark peanut-shaped body that was around 15 kilometers long and 7 to 10 kilometers wide. Giotto ki analysis ne ye bhi bataya ki the comet had formed around 4.5 billion years ago from volatiles mainly composed of ice jo ki condense ho gaye the into interstellar dust particles. Aur us samay ke baad se practically the comet has remained unaltered and unchanged. Giotto was the first spacecraft to make a close flyby of two comets. Pehla Halley's Comet aur dusra ek aur zyada purana comet jiska naam hai 26P Grigg Jellerup. Aur ab iske saath aaiye aaj ka agla fact dekhte hain. This is associated with 2004 arthat varsh 2004 ka fact that the Chhatrapati Shivaji Terminus was nominated as a World Heritage Site by UNESCO. अर्थात Chhatrapati Shivaji Terminus को UNESCO द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। The Chhatrapati Shivaji Terminus, जिसे officially Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus कहा जाता है, is a historic terminal train station and a UNESCO World Heritage Site situated in Mumbai in the state of Maharashtra. Isko design kiya gaya tha British engineer Frederick William Stevens ke dwara. Aur iska architectural design Italian Gothic style se inspired tha.
इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1878 में और पूरा किया गया था इन 1887, द ईयर मार्किंग 50 इयर्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रूल। ये बात भी याद रखने वाली है कि पहले इस टर्मिनस का नाम था विक्टोरिया टर्मिनस और 1996 मार्च के बाद ही स्टेशन का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया इन द मेमोरी एंड ऑनर ऑफ फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर द ग्रेट रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज। ये टर्मिनस एक हेडक्वार्टर भी है इंडिया सेंट्रल रेलवे का, जो कि इंडियन रेलवेज की 18 जोन्स में से एक जोन है। और क्योंकि हमने यहाँ बात की है यूनेस्को की, तो ये तो हम जानते ही हैं दैट इट स्टैंड्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में स्थित। ये संयुक्त राष्ट्र की वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका उद्देश्य है वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन फील्ड्स ऑफ एजुकेशन साइंसेज एंड कल्चर। और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट, अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है ए भीमसेन सचर, बी बी जे दीवान, सी मोहन लाल सुखाड़िया, डी चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। विद दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who had coined the slogan Simon Go Back, अर्थात Simon Commission के विद्रोह के समय किसने famous नारा सुझाया था Simon Go Back नाम का। Options है A. शौकत अली, B. हसरत मोहानी, C. यूसुफ मेहर अली और is it D. अब्दुल गफर खान। With this, the third question is When was the Shimla Agreement signed, अर्थात किस वर्ष शिमला समझौता साइन किया गया था। ऑप्शंस है ए 1970, बी 1971, सी 1972 एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज डी इज 1973। और आज का चौथा प्रश्न है व्हिच स्पेसक्राफ्ट मेड अ क्लोज अप ऑब्जर्वेशन ऑफ हैलेस कॉमेट इन 1986, अर्थात वर्ष 1986 में किस अंतरिक्ष यान ने हैले धूमकेतु का नजदीक से अवलोकन किया था। ऑप्शंस है ए गियोटो, बी डीप इम्पैक्ट, सी स्टार डस्ट और इज इट डी कंटूर। विद दिस आज का पांचवा एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज व्हाट वाज द ओल्ड नेम या प्रीवियस नेम ऑफ द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एट मुंबई, अर्थात मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पुराना नाम क्या था। ऑप्शंस है ए एलिजाबेथ टर्मिनस, बी बॉम्बे टर्मिनस, सी डेक्कन टर्मिनस और वाज इट डी Victoria Terminus. And now, after all these interesting questions and some very helpful facts, आज के इस segment को हम यही समाप्त करते हैं। इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। Friends, अगर आपको video पसंद आए तो please channel को like, share और subscribe जरूर कीजिए। With this, have a great day. Please stay safe and many many thanks to all of you.